गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम अबशरीन है। आज की क्लास में हम परचेज रिटर्न इनवॉइस में सीखेंगे कि परचेज रिटर्न इनवॉइस में कैसे करते हैं और सेल रिटर्न इनवॉइस में कैसे करते हैं, और उनके लिए हम क्या डेबिट नोट और जनरल वाउचर यूज कर सकते हैं, ये समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्टली पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप इनवॉइस में अगर आप परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न करते हैं तो आप जनरल वाउचर में एंट्री नहीं करेंगे, आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ही इशू करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, सपोज करना कैसे है कि परचेज रिटर्न और डेबिट नोट इनवॉइस में कैसे करना है। एंटर करते हैं, मैं आपको ये पेज अप करके एंट्रीज दिखा देती हूँ कि सॉरी परचेज की। मेरे सप्लायर बी है और सप्लायर ए है, जिससे मैंने कुछ डेल लैपटॉप और टीवी, सोनी टीवी और टाटा स्काई टीवी हमने उसे परचेज किया है। अब इनकी रिटर्न हो रही है कुछ कुछ फीस, तो उसे कैसे करेंगे, तो वही समझ रहे हैं। करना क्या है कि आप परचेज रिटर्न के लिए आपको डेबिट नोट लेना है, LDAP 5 करेंगे। तो आपको आई होप आपको ये दिख गया होगा डेबिट नोट। अगर आपको मान ले अभी तो ये मुझे चेंज मोड में इनवॉइस आइटम इनवॉइस में दिख रहा है, अगर आपको एज वाउचर या अकाउंटिंग इनवॉइस में मिल रहा है तो आपको करना क्या है, कंट्रोल एच करेंगे या चेंज मोड पे जाके कंट्रोल एच करना है। फिर आपको किस में देखना है, एज वाउचर या इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग में, हमें इनवॉइस में देखना है। तो हम इनवॉइस लेंगे, इसे एंटर करेंगे। करते ही एंटर करते ही आपको आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम किसको लेंगे, पार्टी नेम पे जिससे हमने सप्लाई किया था, सप्लायर ABC आ जाएगा। ए ले लेते हैं पहले, ए लेंगे फिर एक्सेप्ट कराएंगे इसे, इसकी डिटेल्स को। फिर आपको ये देखना कि आपकी कंपनी क्या करती है, परचेज रिटर्न में परचेज ही लेती है या फिर परचेज रिटर्न। तो मैंने परचेज का जैसा लेजर बना रखा है, अगर आपने नहीं बनाया तो LC करके आप बना सकते हैं। और एंटर किसके रखना है, इसे लेजर के परचेज अकाउंट के अंडर रखना है। अभी आपसे क्या पूछा, नेम ऑफ आइटम कि आप कौन सा प्रोडक्ट वो आप रिटर्न करना चाहते हो, तो आप स्पेस का बटन दबाएंगे तो आपको सामने स्क्रीन दिख रही होगी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स। इनमें से आप जैसे मान ले डेल लिया है, डेल का कितनी पीस आपने वापस किए, 5 पीस है, उनका ये अमाउंट आ गया। फिर सेम आपने HP में भी बोले कि HP में से भी डिफेक्ट है, आप किसी भी रीजन से 5 पीस रिटर्न कर रहे हैं, ज्यादा होगी हमें HP की ज्यादा नहीं चाहिए तो हम रिटर्न कर रहे हैं, मैं इसे एक्सेप्ट करा दूंगी। आपको ये दिख रहा होगा सप्लायर 1 के नाम से 1 जून को हमने एंट्री की थी, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देन एक्सेप्ट। आई होप आपको इतना ही समझ में आ गया है डेबिट नोट वाला कि इनवॉइस में करना कैसे है। एक्सेप्ट हो गया। ध्यान रहे कि आप जैसे एल्ट प्रेस करेंगे तो आपको ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट दिख रहा है, और ऐसे चेंज मोड में ही आपको चेंज करना है कि आइटम इनवॉइस यूज करना है हमें, अकाउंटिंग इनवॉइस या एज आउटर हमें यूज नहीं करना है, हमें आइटम इनवॉइस करना है। तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। अब इसे चेक कहाँ करना है वो देख लेते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आएंगे, या फिर मैं आपको एक एंट्री और करके दिखा देती हूँ पहले, बाद में चेक करेंगे। डेबिट नोट है, सप्लायर बी ले लेती हूँ इस बार, क्योंकि सप्लायर ए से तो मैंने जो था जो भी मैं जो रिटर्न करना था मैंने वो कर दिया। अब सप्लायर बी है, सप्लायर बी ले लेती हूँ, इससे एक्सेप्ट कराऊंगी इसकी डिटेल्स को, सॉरी। फिर उसने क्या, उस सप्लायर बी से हमने क्या सेल किया था, हमने टीवी से उससे परचेज किया था, सॉरी सेल नहीं परचेज किया था, पर ये टीवी ले लेंगे सोनी टीवी। मान ले आपने इसे 6 पीस आप इससे वापस कर रहे हैं कि नहीं भैया तुम्हारी मतलब मुझे 6 पीस वापस करना, तो आपने यहाँ एंट्री कर दी है। फिर टाटा स्काई ले लेते हैं, इसमें से आपने 3 पीस को वापस भेजा है, 3 पीस आपको आई होप दिख रही होगी स्क्रीन पे। फिर क्या करेंगे हम, एक्सेप्ट करा लेते हैं इसे, एक्सेप्ट करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस ही हमारा, इसे सप्लायर बी की डिटेल आ गई है, इसे लेके आपको एक्सेप्ट कराना है। एक्सेप्ट कराते ही आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी इसे देखना कहाँ है हम वो चेक कर लेते हैं एक बार, डिस्प्ले रिपोर्ट पे जाना है, फिर कहाँ पे जाएंगे, अकाउंट्स बुक में, देन लेजर लेंगे। जैसे लेजर लेंगे तो मैं किस लेजर का देखना चाहती हूँ, सप्लायर का, सप्लायर ए का ले लेते हैं सबसे पहले। आई होप आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जनरल वाउचर सॉरी परचेज वाउचर है, परचेज वाउचर मैंने परचेज किया था, लैपटॉप परचेज की थी। अब उसका जो बचा कुछ अमाउंट कितना है, 21,60,000 है,
21,60,000 था, उसमें से जितना डेबिट नोट मैंने किया 2,80,000 आपको माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे मैंने परचेज रिटर्न किया था। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये शो करेगा आइटम्स वगैरह। मैं एक बार कॉन्फ़िगर्यू करती हूँ। इन्वेंट्री, आप शो इन्वेंट्री डिटेल्स करेंगे तो आपको इन्वेंट्री शो हो जाएगी। ये आपको इनका रेफरेंस नंबर सब पता चल रहा होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें आइटम नेम पता चल जाएगा कि परचेज रिटर्न में आपने क्या रिटर्न किया और कितना पीस किया है क्वांटिटी में। और नीचे अगर आप देखें तो आपका टोटल इतना था, 21,00,000 था पहले, फिर लेकिन आपने आप परचेज रिटर्न करने के बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 18,80,000। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो हमने सप्लायर ए का देखा था, अब सप्लायर बी का देख लेते हैं एक बार। अभी सप्लायर बी का है 6,30,000 था, लेकिन उसमें से हमने डेबिट नोट इशू कर दिया 1,56,000, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा, 4,74,000। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अब हम कहाँ सीन करेंगे, सेल परचेज रिटर्न पे जाते हैं, सॉरी परचेज रजिस्टर पे। सप्लायर भी ये दिख रहा है, इनका जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो भी क्लोजिंग बैलेंस है, वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। फिर हमें कहाँ पे जाना है, जनरल वाउचर पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने जनरल पे जो एंट्री है वो जनरल पे नहीं की है, किस पे की थी, डेबिट नोट पे। तो ये दो एंट्रीज दिख रही हैं आपको स्क्रीन पे, दो एंट्री दिख रही होंगी, सप्लायर ए और सप्लायर बी, डेबिट नोट इशू हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा परचेज रिटर्न को डेबिट नोट इनवॉइस में कैसे करना है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट का इशू यूज, और उन्हें चेक कैसे करना है। अगर हमें चेक करना हो कि हमने परचेज जो रिटर्न किए, परचेज रिटर्न किए इनवॉइस में, उसकी एंट्री कैसे करनी है, चेक कहाँ से करना है, हमने तीनों तरीके से देख लिया है इसे। आई होप आप मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।